आइए आज हम लोग देखते हैं पदार्थ और उनके पीएच मान। तो आपका इस चैनल पर स्वागत है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7, इसका उत्तर है 7। आप पीएच मान अवश्य याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में एक पीएच मान आता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो मिट्टी का पीएच मान होता है 7। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए, आंसू का पीएच मान कितना होता है? आंसू जो हमसे आँख से निकलता है उसका पीएच मान 7.4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। अंडा का पीएच मान कितना होता है? 6 नंबर का क्वेश्चन 7.8। 7 नंबर में है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। और मूत्र का पीएच मान होता है आपको 6। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नवा प्रश्न है, नींबू का पीएच मान 2.4 होता है यह। और 10वां प्रश्न है आपका, मछली का पीएच मान कितना होता है? तो मछली का जो पीएच मान होता है वो होता है आपको 6.4। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। लार का पीएच मान कितना होता है? मुख से जो निकलता है लार, उसका पीएच मान 7.4 होता है। और 12वां क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 8.4। तो यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें और आप अपना कॉमेंट भी शेयर करें। तो चलिए, धन्यवाद।